पारो। मेरे कमरे दिल के हाथों मजबूर होकर आ गया। चले जाइए यहाँ से। कमरे से तो निकाल दोगी मगर दिल से कैसे निकालोगी? लगता है आप पागल हो गए। पागल? हर प्यार करने वाला पागल होता है। तो आप यहाँ से नहीं जाएंगे, मैं शोर मचाऊंगी। हाँ शोर मचाओ, जोर से शोर मचाओ, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि मैं तुम्हारे प्यार में पागल हूँ। तो ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ। अरे ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। अरे छोड़ कैसे, प्यार का इजहार तो करने दो। पारो मेरी बात को सुनो। मान भी मुन्ने खान जिले इलाही रानी महल में जा। मुन्ने खान जनाना महल में खनिजों के साथ इस तरह का सलूक? वो जिले इलाही बात क्या है कि वो खामोश। इससे पहले भी हम तुम्हारे खिलाफ शिकायतें सुन चुके हैं। आज तक हम तुम्हारे नादानियों को दरगुजर करते रहे, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से देखा है। इसे नादानी नहीं पत्कारी कहते हैं। जिले इलाही मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। ना ही यह गलती मुआफे के काबिल है और ना ही तुम शाही महल में रहने के काबिल हो। हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि तुम शाही महल छोड़कर निकल जाओ यहां से, और कल से शाही महल में तुम्हारे दाखिले पर पाबंदी रहेगी। बोल दिले नहीं, हम एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहते। यह हमारा हुक्म है। शाही महल से कहीं नहीं जाओगे। बाजी ये जिले इलाही का हुक्म है। और ये शाहबानों का हुक्म है कि तुम इसी शाही महल में रहोगे। मगर जिले इलाही को कौन जवाब देगा? जिले इलाही को हम जवाब देंगे। फने खान हमारा भाई है और वो एक शाही खानदान का एक फर्द है। उसे इस तरह महल से नहीं निकाला जा सकता। हम खुद बात करेंगे जिले इलाही से। फने खां को जाने से हमने रोके जिले इलाही। ये जानते हुए भी कि हमने उन्हें शाही महल छोड़कर जाने का हुक्म दिया है। आपका हुक्म सर आंखों पर जिले इलाही, मगर फने खां का कसूर इतना संगीन तो नहीं है। रानी शाहबानो, शाही महल के आदाब को भुलाकर कनीजों से बदसुलूकी? जिले इलाही, कनीजों और शहजादों की छेड़खानी का तो नजरअंदाज भी किया जा सकता है। रानी शाहबानो, आप बदकारी को छेड़खानी कह रही हैं? तो क्या जिले इलाही की नजरों में शाहों और गुलामों में कोई फर्क नहीं है? रानी शाहबानो, शाही महल की कनीजें सरकारी मुलाजिम हैं। उनकी खिदमत का सिला उनकी इज्जत लूट कर नहीं दिया जा सकता। उनकी इज्जत शाही महल की इज्जत है, और आपके भाई फन्ने खान ने शाही महल के इस हुक्म को, इस कानून को तोड़ा है। फिर भी फन्ने खान ये शाही महल छोड़कर नहीं जाएंगे। रानी शाहबानो, भाई के प्यार ने आपको अंधा बना दिया है। नहीं जिले इलाही, एक मामूली सी कनीज के लिए फन्ने खान को शाही महल से निकाला जाना, इसमें हमारी भी तौहीन है। तो क्या रानी साहिबा आपको हमारे फैसले से इनकार है? बेशक जिले इलाही। रानी शाहबानो, अकबर बादशाह का हुक्म किसी अंधी मोहब्बत का मोहताज नहीं है। अब न सिर्फ फन्ने खानी शाही महल छोड़कर जाएगा, बल्कि खुद रानी शाहबानो को भी शाही महल छोड़ना पड़ेगा। जिले इलाही। हाँ रानी साहिबा, अकबर बादशाह की नजर में एक रानी की जितनी इज्जत है, उतनी ही कद्र एक कलीज की आबरू की है। आपने एक मुजरिम को शाही महल में पनाह देकर अकबरी हुक्म की तौहीन की है। लिहाजा मां बदौलत फन्ने खान के साथ साथ आप कभी मुजरिम समझते हैं। यह हमारा हुक्म है कि 3 दिन के अंदर आप शाही महल छोड़ दें।
हुक्म की तामील हो, क्योंकि आप हमारी रानी हैं, इसलिए शाही महल छोड़ते वक्त हर वो चीज आप ले जा सकती हैं जिस पर आपका हक है या जिसे आप पसंद करती हैं। रानी साहिबा की खिदमत में हकीम दाना का सलाम कबूल। हकीम दाना, हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। हम भी यही सोच रहे हैं कि जिल्ले इलाही ने इतना बड़ा फैसला कैसे कर दिया और इस फैसले के शिकार हम बन गए। लेकिन आप बेफिक्र रहिए रानी साहिबा, क्योंकि जिल्ले इलाही ने यह फैसला गुस्से में किया, इसलिए हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम जिल्ले इलाही को उनका फैसला बदलने पर मजबूर करेंगे। आपको यकीन है कि जिल्ले इलाही अपना फैसला बदल देंगे? आखिर हकीम दाना किस मर्ज की दवा है? हम आपको मुंह मांगा इनाम देंगे। हकीम दाना, अगर हमें इस तरह शाही महल छोड़ना पड़ गया तो हम उम्र भर वापस नहीं आ पाएंगे। ये हमारी इज्जत का सवाल है। हमें इस बात का एहसास है रानी साहिबा, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हम हमारी दानाई से जिल्ले इलाही को उनका फैसला बदलने पर मजबूर कर देंगे। हकीम दाना, इस बात के लिए हम उम्र भर आपके एहसान मंद रहेंगे। जिल्ले इलाही की खिदमत में हकीम दाना का सलाम कबूल हो। आइए हकीम दाना, बहुत ही अच्छा हुआ कि आप आ गए। हकीम दाना, जहन पर एक बोझ सा है, दिमाग में उलझन है। इसका सबब है तन्हाई। तन्हाई में इंसान अपने आप से उलझ जाता है, इसलिए उसे चाहिए कि वो किसी से सलाह मशवरा करे ताकि उसके दिल का बोझ हल्का हो जाए। बेशक आप सही फरमा रहे हैं। शिकायत अगर औरों से हो तो परेशानी जरूर होती है, लेकिन बात अगर अपनों की ही हो तो साथ परेशानी के फिक्र भी बढ़ जाती है। अगर जिल्ले इलाही का इशारा फन्ने खान साहब की तरफ है तो मैं कहूंगा कि उनकी नादानियां तो माफी के काबिल है। हकीम दाना, महल की करीजों से छेड़छाड़ एक संगीन मसला है। अगर शाही घराने के लोग महल के आदाब को भूल जाए तो शाही महल एक बाजार बन जाए, और इसकी रोकथाम ना की गई तो शाही महल आवासी और अय्याशी का अड्डा बन जाएगा। बन्ने खान की बेवकूफियों को आज तक हमने हंसकर टाल दिया, लेकिन आज हमने अपनी आंखों से जो कुछ देखा वो हरगिज माफी के काबिल नहीं है। माफ कीजिएगा जिल्ले इलाही, मगर इसकी सजा रानी साहिबा को क्यों दी गई? वो इसलिए कि फन्ने खान की हिम्मत सिर्फ रानी शाहबानो के शह पर बड़ी है। रानी शाहबानो का ये फर्ज था कि फन्ने खान को जो भी सजा दी गई है उसे वो तस्लीम करती और हमारे फैसले को मान लेती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने फन्ने खान के जुर्म को जुर्म नहीं माना बल्कि हमारे फैसले को ललकारा भी है। आम दरबारी और रानी साहिबा में फर्क है। यानी रानी शाहबानो अगर गुनाह करें तो उन्हें सजा नहीं दी जा सकती? क्या वो कानून से बालातर है? सरकार, ऐसे मौकों पर थोड़ी बहुत नजरअंदाजी कर लेनी चाहिए। यानी कि एक कनीज की खातिर रानी साहिबा को सजा देना सरकार देगी? बस कीजिए हकीम दाना, बस कीजिए। अब हमें मालूम हुआ कि आप भी हमारे पास रानी शाहबानो की सिफारिश करने आए हैं। इसका मतलब हम क्या समझे कि आप भी शाही महल के रस्म रिवाजों को भूल गए? रानी शाहबानो को हमने महल से निकल जाने का हुक्म इसलिए दिया कि उन्होंने फन्ने खान का साथ दिया,
और आपको भी हम इसलिए सजा दे सकते हैं कि आप रानी शाहबानो की हिमायत करने यहाँ आए हैं। जी जी नहीं जिले इलाही, दरअसल हम सच्चाई से नावाकिफ थे, लेकिन सच्चाई जानने के बाद हम जिले इलाही के इंसाफ के कायल हो गए हैं। यकीनन रानी साहिबा को भी सजा मिलनी ही चाहिए। आप इजाजत है सर? ठहरिए हकीम दाना, एक बात अच्छी तरह याद रहे, दुनिया ये जान ले इस मामले में रानी शाहबानो की हिमायत करने जो भी हमारे पास आएगा उसे भी हम मुजरिम ही समझेंगे। जी अब आप जा सकते हैं। शुक्रिया सरकार, खुदा हाफिज। बाजी हकीम दाना अभी तक नहीं आए, कहीं जिले इलाही ने उन्हें भी तो। फने खान, एक तो हम ऐसे ही परेशान हैं, ऊपर से ऐसी बात करके हमारी परेशानी और बढ़ा दी। क्या है कि इजाजत है उन्हें। क्या हुआ हकीम दाना? माफ कीजिए रानी साहिबा, इस वक्त जिले इलाही को मनाना यानी मौत को दावत देना होता है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो कोई रानी शाहबानो की हिमायत करेगा वो सजा का हकदार होगा। इसीलिए आप वहां से दुम दबाकर भाग आए। बन्ने खान, आप जरा अदब से बात किया कीजिए। अच्छा, आप इनसे भी अदब से बात करनी पड़ेगी। देखिए ये मत भूलिए कि इस वक्त आप बहुत बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हैं और हम आपकी मदद करने आए हैं। देखो हकीम दाना, हमें आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। भाई फनी खान। अरे बाजी आप चुप रहिए, ये हकीम है, नीम हकीम खतरा है जान। चलिए हम नीम हकीम ही सही, तो फिर मुकम्मल कौन है? मुकम्मल हकीम है हमारे पास। क्या मैं उसका नाम जान सकता हूँ? उसका नाम है बीरबल। भाई फनी खान, तुम्हारे होश के ठिकाने? बाजी ये पहली बार है कि मैं होश की बात कर रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि बीरबल क्या कर लेगा? बीरबल, बीरबल सौ सियानों का सियाना है, वो हसन मौला है, उसके पास हर सवाल का जवाब है, उसके पास हर बीमारी का इलाज है और उसके पास जख्म काटने के लिए नश्तर भी है। क्या वो हमसे ज्यादा अकलमंद है? अकलमंद है या नहीं ये तो मैं नहीं जानता हकीम दाना, लेकिन आप तो नाकाम हो गए ना, आपकी कोई भी तदबीर कारसाज नहीं हुई, इसलिए आप हमारे काम के आदमी है ही नहीं। मेरी जबान पर सिर्फ एक ही आदमी का नाम है जो हमारे काम आ सकता है, वो है बीरबल। भाई फनी खान, बीरबल लाख चालाक से अकलमंद से, मगर वो है तो हमारा दुश्मन। बाजी, बेवकूफ दोस्त से अकलमंद दुश्मन। भाई फनी खान, आज जिंदगी में तुमने पहली बार लाजवाब सोचा है। रानी की रानी साहिबा आप भी? जी हाँ, हम भी यही समझते हैं, जब तूफान में कश्ती फंस गई हो तो उसे बीरबल ही पार लगा सकता है। ठीक है, तो फिर मुझे इजाजत दीजिए। भाई फनी खान, बीरबल को बुलाया जाए। बीरबल हाजिर है रानी साहिबा। आइए बीरबल। क्या सुन रहा हूँ? आपने जो कुछ सुना वो सौ फीसदी सच है। जिले इलाही ने फने खां के साथ साथ हमें भी शाही महल से निकल जाने का हुक्म दे दिया। तो फिर आपने क्या सोचा है? हम तो कुछ सोचने के काबिल ही नहीं है। साहिबा जिले इलाही का हुक्म क्या है? शाही महल छोड़ने का। रानी साहिबा, मैं जिले इलाही का हुक्म हर्फ ब हर्फ सुनना चाहता हूँ। जिले इलाही ने हमें तीन दिन के अंदर शाही महल छोड़कर जाने का हुक्म दिया, मगर रानी होने की हैसियत से हमें ये रियायत दी गई है कि इस महल की हर वो चीज जिस पर हमारा हक है या जो चीज हमें पसंद है हम वो साथ ले जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिले इलाही की नजरों में आपका दर्जा एक मुजरिम का नहीं बल्कि रानी का है। लेकिन जिले इलाही का हुक्म तो हमें मानना ही पड़ेगा, ये शाही महल छोड़कर तो हमें जाना ही पड़ेगा। रानी साहिबा, मैं आपका दुश्मन नहीं,
बल्कि आपका नमकवार। और मैं आपको ये वादा करता हूं कि अगर मेरे होते हुए आपको महल छोड़ना पड़ा तो मैं भी शाही महल छोड़कर चला जाऊंगा और जिंदगी भर अपनी शक्ल किसी को नहीं दिखाऊंगा। देखा बाजी, मैंने कहा था ना कि बीरबल नमक हराम नहीं है। फने खान। मेरा मतलब है बाजी, नमक हलाल है। फने खान जी, आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मगर बीरबल, हमें करना क्या होगा? रानी साहब, ये मैं आपको इस वक्त नहीं बता सकती, मगर जैसा मैं कहूँ वैसा आपको करना होगा। ठीक है बीरबल, आप जैसा करेंगे हम वैसा ही। रानी शाबान, हमने बेशक आपको शाही महल छोड़कर जाने का हुक्म दिया है, लेकिन वो शाही एजाज के साथ, शाही शान और शौकत के साथ। मगर हम ये देख रहे हैं कि आपने ना ही शाही जोड़ा पहना है ना जेवरात, ये आपकी शान के खिलाफ है। हमने आपको इस तरह शाही महल छोड़कर जाने का हुक्म तो नहीं दिया था। हमें सिर्फ इतना याद है जलील अली कि आपने हमें शाही महल छोड़कर जाने का हुक्म दिया। किस तरह जाने का हुक्म दिया ये हमें याद नहीं, मगर हमें याद है रानी साहिबा। शाही महल छोड़ते वक्त शाही महल की हर वो चीज अपने साथ आप ले जा सकती हैं जिस पर आपका हक हो और जो आपको पसंद हो। जिले इलाही, हम जो चाहें वो चीज हम अपने साथ ले जा सकते हैं? बेशक, शाही महल की हर वो चीज आप अपने साथ ले जा सकती हैं जो आपको पसंद हो। जिले इलाही, हम इस महल की सबसे कीमती चीज ले जाना चाहें तो? हम वादा करते हैं रानी साहिबा कि आपको वो चीज अता की जाए। ज़हन नसीब, ऐसी तो महल में सिर्फ एक ही चीज है। तो वो चीज आप बेझिझक ले जा सकती हैं रानी साहिबा। वो चीज जिस पर हमारा हक है और जिसे हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ हाँ, मगर क्या हम ये जान सकते हैं कि वो कौन सी चीज है? वो आप हैं। रानी शाबान, हम आपके इंतखाब की दाद देते हैं कि आपने शाही खजाने को छोड़कर हमें पसंद किया। आज हम एक बात और जान गए कि आपके दिल में हमारी कितनी कद्र है। आपकी इस मोहब्बत ने हमें अपना फैसला बदलने पर मजबूर कर दिया है। शाही महल छोड़कर आपके साथ जाना हमारे लिए नामुमकिन है, लेकिन आप हमारे साथ शाही महल में ही रह सकती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें माफ कर दिया? यकीनन रानी साहिबा, माँ बदौलत ने आपको माफ किया है। फने खान भी अपनी गलती पर शर्मिंदा है। उनकी शर्मिंदगी कोई मायने नहीं रखती। जिले लाही, मैं तय दिल से आपसे माफी चाहता हूँ। अगर आप अपने कहे पर कायम रहेंगे तो हम आपको माफ कर दें। शुक्रिया जिले लाही, शुक्रिया। शुक्रिया बीरबल जी, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुमने तैश में उलझे हुए इस मामले को इतनी आसानी से सुलझा दिया। बीरबल, तुमने हमें और रानी शाहबानों को जुदा होने से बचा लिया। इस मसले का इससे अच्छा हल दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। अगर सुनीला ही, इस मामले में मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल, हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। अल्फाज सिर्फ रानी शाहबानों के थे, ख्याल तुम्हारे। जिले लाही, वैसे
बाजी को ये मशवरा मैंने दिया था कि ये बीरबल जी के पास जाए। जिंदगी में पहली बार अकलमंदी का काम किया है जो बीरबल के पास चले गए। सही फरमा रहे दिल्ले लाही।